पांवटा साहिब में सावन के दूसरे सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त से ही पातालेश्वर महादेव मंदिर सहित अन्य शिवालयों में स्थानीय शिव भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं, भगवान शिव को मना रहे हैं। वहीं खराब मौसम और बरसात के बीच कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए शिव मंदिरों में जलाभिषेक किया जा रहा है। उधर इंदौरा उपमंडल के अंतर्गत पड़ते गांव सोडवा में अज्ञात लोगों द्वारा शिवलिंग तोड़ दिया गया था। गांव का एक युवक जब शिवलिंग पर पानी चढ़ाने गया तो उसने शिवलिंग को टूटा देखा और इस बारे गांव को सूचना दी। विश्व परिषद के विभाग मंत्री सुनील दत्त बिट्टू मौके पर पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारी को फोन कर बताया, जिस पर SDM इंदौरा सोमिल गौतम पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने उस समय उग्र भीड़ को शांत किया। नीरज धनोरिया ने कहा कि सावन के महीने में इसी जगह पर पहले से बड़ा शिवलिंग स्थापित किया जाए ताकि लोग यहां माथा टेकने आए और उनकी आस्था पहले जैसे बनी रहे। उसका मंदिर का भवन भी बनेगा, ये तभी बनेगा जब यहां समाज पराक्रमी होकर के लगेगा। तो जो केवल बिक रहा था शिवलिंग का, पेकड़ेश्वर महाराज का, अब आगे चल करके वो मंदिर में बदलेगा। ये सामर्थ्य भी किसी को बाहर से आएगा, वो सामर्थ्य हमको हम हिंदुओं के द्वारा ही करना पड़ेगा या पराक्रमी हमको बनना पड़ेगा। हमको पलायन नहीं करेंगे इनके डर के कारण, हम पराक्रमी बन के दिखाएंगे, पलायन नहीं पराक्रम करके दिखाएंगे। हम ऐसे हिंदू बनना है। प्रशासन को ने जो ये लापरवाही की है, ये प्रशासन की नाकामी है। कितनी बड़ी घटना घटने के बाद हिंदू विग्रह के तोड़ने पर, शिवलिंग के तोड़ने पर हिंदू आस्थाओं को ठेस पहुंची है और प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसके लिए प्रशासन को भी आने वाले आंदोलन की आहट दिखाई देती है और हमें आंदोलन की ओर जाना पड़ेगा। प्रशासन या तो इस स्थान को अपराधी गिरफ्तार करे और मंदिर की पुनर्स्थापना कराए, अन्यथा आने वाले समय में बड़े आंदोलन होगा। उसका मंदिर का भवन भी बनेगा, ये तभी बनेगा जब यहाँ समाज पराक्रमी होकर के लगेगा। तो जो केवल बिक रहा था शिवलिंग का, पेकड़ेश्वर महाराज का, अब आगे चल करके वो मंदिर में बदलेगा। ये सामर्थ्य भी किसी को बाहर से आएगा, वो सामर्थ्य हमको हम हिंदुओं के द्वारा ही करना पड़ेगा या पराक्रमी हमको बनना पड़ेगा। हमको पलायन नहीं करेंगे इनके डर के कारण, हम पराक्रमी बन के दिखाएंगे, पलायन नहीं पराक्रम करके दिखाएंगे। हम ऐसे हिंदू बनना है। प्रशासन को ने जो ये लापरवाही की है, ये प्रशासन की नाकामी है। कितनी बड़ी घटना घटने के बाद हिंदू विग्रह के तोड़ने पर, शिवलिंग के तोड़ने पर हिंदू आस्थाओं को ठेस पहुंची है और प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसके लिए प्रशासन को भी आने वाले आंदोलन की आहट दिखाई देती है और हमें आंदोलन की ओर जाना पड़ेगा। प्रशासन या तो इस स्थान को अपराधी गिरफ्तार करे और मंदिर की पुनर्स्थापना कराए, अन्यथा आने वाले समय में बड़े आंदोलन होगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांवटा साहिब से धीरज चोपड़ा और ठाकुर द्वारा से गगन ललगोत्रा की रिपोर्ट।